हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो दोस्तों हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों कर ही लेते हैं आज की नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है हमारे यहाँ भागीरथी में जो अपनी थान ये नई फसलों की जो पूजा की जाती है उसको नैनांग कहते हैं, हमारे यहाँ नैनांग देना कहते हैं। तो आज यहाँ गोलू देवता के मंदिर में है नैनांग देना। तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ सब चीज़ बनता है। तो इसमें मेरे बगल में भाभी का और मेरा है, इसमें पूरा सामान है मंदिर का। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ, मिलाती हूँ मैं आपको, वहाँ दिखाती हूँ, करती हूँ दर्शन गोलू देवता के। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये जा रही है प्रसाद की थाली, और मेरे संग भानु भी है, भानु और मैं जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए, तो हम लोग पहुँच चुके हैं गोलू देवता जी के मंदिर पे, और यहाँ पर सब लोग भाभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और ये हमारे पंडित जी हैं। यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी, साफ सफाई वगैरह हो रही है अभी। तो ये रहे गोलू देवता और देवी मैया, भाभी लोग सब हैं, देव भाभी लोग सब हैं। भाभी कह रहे कि मैं भी हूँ, बोले ये आंटी और भाभी रोजा का भाई हूँ। हाँ ना, रोज के भी हैं, तो बिना हमारे कुछ नहीं होता है वो ना। बस है सब में ही तो सब लोग आ रहे हैं, पता ही नहीं, पता ही नहीं ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा प्रसाद वगैरह, और ऐसे आटा जमा हो रहा, सब लोग ला रहे हैं। तो आटा एक परात में, आटा एक में चावल, खिचड़ी वगैरह, तेल हो रहा है, ये बन रहा है। तो ये देखिए ऐसे खाली किए जा रहे हैं सब। बैठ के अंदर ही रखो ना फिर। अरे हम लोग में धरे ली बात, हाँ कोई नहीं, पता ना मेरे मैं हम लोग में धरे, कोई बात। लो भाई राम के ताप भी हो रहा है। नमस्कार, तो भाई बनी है आज टीचर, राम के ताप करने वाली। तो लिखा जा रहा है 100 रुपया जमा हो रहा है, क्योंकि काफी चीजें होती है, गैस वगैरह साफ सफाई सब चीजें होती हैं। और इस डेग में बनेगी खिचड़ी, ये हो रही खिचड़ी खट्टा। तो दोस्तों ये है हमारे पहाड़ों के रीति रिवाज जो सदा चलते आ रही है, सदा चलते रहेंगे इतने चिरे। और भगवान जी का एक जो साल भर में उनको नए अनाज के लिए जो उनके उनकी पूजा पाठ की जाती है, तो वो चीज़ हो रही है आज यहाँ पे। यहाँ पर दादा है, तो यही बनाएंगे प्रसाद वगैरह। तो दोस्तों आगे को पूरी तैयारी होते मैं आपको हल्के फुल्के दिखाते रहूंगी कि क्या क्या चीज हो रही है। तो आंटी और भाभी आज किस उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे ये बताइए थोड़ा। आज कल नवरात्रि लगी हुई है, भादो में नवरात्रि, सब जगह देवी मैया की पूजा हो रही है। आज हमारा यहाँ गोलजू का मंदिर है, ये हमारे इष्ट देव है, हम नैनांग दे रहे हैं, हर साल इसमें नैनांग देते हैं। मतलब नैनांग का मतलब क्या हुआ? ये उनको भोग लगाना हुआ, हमारा नया अनाज होता है, नया फसल होती है। तो इस बार हम लेट हो गए जरा, विलम्ब हो गया था, इस चक्कर में लेट हो गए। तो आज हमारा यहाँ पर प्रोग्राम बना है, नवरात्रि लगी है, हर जगह पूजा हो रही है। हमने भी सोचा की हम लोग अपने मंदिर में पूजा कर ले, इन्होंने मंदिर बना रखा है, सुबह शाम को दिया बत्ती करते हैं, इन्हीं के मुझे बनाने जी लोगों ने, सब इनकी कृपा है, सब गोलजू की महिमा है, सबका अच्छा कर रखा है। गोलजू में अंदर आए हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी बुला रखे हमने, और पूरा अभी ताम जाम, अभी पूरी और सब्जी अब्जी सब बनाएंगे। उधर का थोड़ा मैंने दिखाया, खाएंगे। तो इधर शीला भी आ रही है, चाचा जी की मम्मी,
चाचा जी कर रहे हैं आलू यानी इधर से भाभी छील रही हैं आलू। हमारे बजरंग बली भी आ गए, क्यों नहीं सयाने से तो रौनक बनती है। जब सयाने होते हैं जो चाहे छोटे हैं कोई सयाने सबका सहयोग इस काम में जोड़ी होता है। और हम क्या कर सकते हैं, दो श्रद्धा के फूल हम भगवान के लिए करते हैं, वही चीज है। खाना तो हमें नहीं है, भगवान निमित्त रहते हैं ना, सबका मिलना जुलना होता है। एक उससे भगवान मतलब एक प्रकार से भगवान जी याद हो जाते हैं और खाना पीना अपना हो जाता है। ये आ रही है सब्जियाँ, जिसके घर में सब्जियाँ हो रही तो सब्जी वगैरह भी सब लेके आ रहे हैं। भाभी लोग कर रहे हैं प्रसाद वगैरह जो लाए हैं, सब लोग आटा वाटा वगैरह खाली कर रहे हैं। हमारी परंपराएं रहती हैं और जो भगवान जी की आस्था रहती है, यही एक विश्वास रहता है सभी के मन में, तो वो चीज़ बहुत जरूरी है। वो चीज़ें आज हो रही है, वो चीज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे हर साल होता है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया कोई विलम्ब की वजह से, पर फिर भी चल रही है तैयारियाँ। अभी आपको फिर दिन में दिखाते रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रसाद बनना ये वगैरह सब चीज़ मैं आपको दिखाते रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जय श्री राधे राधे। तो देखिए सब लोग अब आने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सबका समय हो रहा है, थोड़ा बच्चे बच्चे हुए सभी के, तो 8-9 बजे के बाद सब लोग फ्री होते हैं, तो मंदिर में सब आते रह रहे हैं। ये सही बना है, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर हो रही पूजा पाठ वगैरह, घर बन रहा खाना। तो देखिए अब बेने लग गए हैं पूरी। ढक्कन तो बे ढक्कन ना चुबा लो, कच के तो ये ढक्कन की ना ढक्कन ना है। अरे अम्मी तो सब लोग बेल रहे हैं, पूरी होने लगी अब खाने की तैयारी। तो पूरी उड़ी बेल रहे हैं, खाना बनाने की हो रही है तैयारी। यहाँ पंडित जी की पूरी पूजा पाठ, तो यहाँ पे भाभी लोग चल रहे हैं पूड़ियाँ भावना भर में। उसमें प्रसाद रखा जा रहा है सबके लिए। Thank you.
प्रसाद है पागल, तो आप प्रसाद वितरण हो रहा है, सब लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं। ये बनी है खिचड़ी, ये बटरा प्रसाद, क्योंकि यहाँ खाने का नहीं हो पाता, सब लोग घर को ले जाते हैं। बस सब्जी बटरी। तो दोस्तों हरजू के मंदिर का जो नैनांग का था प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर, क्योंकि प्रसाद बटने लग गया सभी को। तो ये देखिए, तो दोस्तों प्रसाद वगैरह सब बढ़ने लग गया, पूजा पाठ होगी, सबके लिए पैक बनाए थे, आपको पता है, क्योंकि एक एक थैली में पूजा रखी थी, और अपने प्लेट लाके जो भी है खिचड़ी वर्ची सब ले गए हैं। 50-60 लगभग मवासे थे, उससे ज़्यादा भी थे। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जय गुरु देवता जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे राधे।